अब एक क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर है प्लस फाइव वाई। अब ए प्लस बी मतलब ये फाइव वाई को दो पार्ट में तोड़ना है, और प्लस ए इंटू बी मतलब ए और बी को ऐड करने पे जो मान आना चाहिए वो वैल्यू फिर ए बी के जगह पे ए होना चाहिए, कि ए एंड बी को मल्टीप्लाई करने पे ए वाला वैल्यू आ जाना चाहिए। दिमाग लगाओ क्या होगा इसमें। देखो थ्री टू जा सिक्स होता है, थ्री टू जा सिक्स होता है एंड थ्री प्लस टू फाइव होता है, तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया फाइव। ये मिडिल टर्म है फाइव, फाइव मिडिल टर्म है, स्प्लिट हो गया। किस चीज़ में स्प्लिट हो गया? थ्री में और टू में। थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा और थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हेयर वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री इंटू टू हो जाएगा, या सिक्स भी, केवल सिक्स भी, डायरेक्ट सिक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें चार टर्म मिल गए। कितने टर्म मिल गए? चार, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? दोनों टर्म में वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन ले लिए। तो यहाँ इसमें से एक वाई आपने निकाल लिया तो वाई बच गया, फिर प्लस और यहाँ से वाई निकाल लिया तो थ्री बच गया, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, टू अगर आपने निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? वाई प्लस फिर क्या बच गया? थ्री। अब देखिए, अब यहाँ पे वाई प्लस थ्री और वाई प्लस थ्री दोनों में कॉमन हो गए, तो वाई प्लस थ्री को अगर आप यहाँ निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है? वाई प्लस टू। वाई प्लस टू, यही आंसर हो गया, यही इसका फैक्टर हो गया। ठीक है।